हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं भानगढ़ फोर्ट, जिसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। इसे लोग हॉरर फोर्ट भी कहते हैं, जो कि राजस्थान राज्य के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास दूर है। हम इस वक्त पिंक सिटी में हैं, यानी कि पिंक सिटी जयपुर में ही है, और पूरा जयपुर पिंक नहीं है बल्कि कुछ ही जगह है जो कि पिंक है, जिसे कि पुराना जयपुर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी इमारतें बनी हुई हैं वो पिंक कलर की बनी हुई हैं। जैसे कि ये इस वक्त आप जो एक इमारत देख रहे हैं, ये है हवा महल। आप लोगों ने हवा महल का नाम तो बहुत सुना होगा, एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, जयपुर का फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है हवा महल। तो ये एक पूरा एक नगर है, ये आप कह सकते हैं कि जयपुर पूरा जो पिंक है वो पूरा ओल्ड जयपुर माना जाता है, और सभी दुकानें पूरा बाजार ये पिंक कलर का है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भानगढ़ फोर्ट की तरफ। जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता बहुत अच्छा है अगर आप जयपुर से होकर जाते हैं तो। हम कुछ ही देर में भानगढ़ फोर्ट पहुँचने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट था देखने का, क्योंकि इसे हॉरर फोर्ट भी कहा जाता है, तो ये था कि चलो इसको देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ये है वहाँ का एंट्री गेट। इसकी फ़ीस जो है 200 रुपीज़ पर पर्सन है, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं। इसके बाद आपको वॉक करके अंदर जाना है, और काफ़ी लंबी वॉक आपकी होने वाली है यहाँ पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें देखने के लिए मिलना चालू हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इतना बड़ा स्पेस बना हुआ है ये, कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो जयपुर आप जब भी जाएं घूमने के लिए, तो आप फरवरी मार्च में जाएं या उधर आप अक्टूबर नवंबर में जाएं, अदरवाइज़ आपको गर्मी और ठंड बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलने वाली है। तो हम भानगढ़ फोर्ट में हैं इस वक्त, और ये कहा जाता है, जो वहाँ पर हम लोगों ने गाइड से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये एक जो किले में जो बाज़ार लगती थी, तो ये सभी दुकानें हैं जो कि बहुत दूर तक फैली हुई हैं, और सब सेम हाइट की थी और सब एक जैसी बनी हुई थी। तो ये सभी दुकानों के स्ट्रक्चर हैं जो कि अभी खंडहर में पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं, और प्रॉपर एक शेप नज़र आता है यहाँ पर। प्रॉपर लगती है कि हाँ ये स्ट्रीट मार्केट हुआ करती थी, यानी कि बीच से रास्ता जाता है और आसपास दोनों तरफ दुकानें हुआ करती थी। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस करते हुए पहुंच चुके हैं फोर्ट के अंदर। फोर्ट ये किसी भी तरह से ज़्यादा बना हुआ नहीं है। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, वहाँ पर ये एक मंदिर बना हुआ था जिसे गोपीनाथ का मंदिर बताया जाता है, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए है। यहाँ पर बना हुआ बहुत ही कम है। यहाँ पर एक भगवान शिव का भी मंदिर है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, और बहुत पुराना मंदिर है यहाँ का। तो इस तरह से फोर्ट में आप जब धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी हॉरर नहीं है। यानी कि जब आप वहाँ से पूछते हैं लोगों से, तो यहाँ पर ये जो गूगल पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर हॉरर भूत हुआ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ उन लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से तो वहाँ पर कुछ नहीं है। और कहा जाता है कि पहले यहाँ पर आने के लिए रोक लगा दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सोना हुआ करता था, और सोने की वजह से ये पूरा बंद कर दिया गया था, और ये अफवाह फैला दी गई थी कि यहाँ पर भूत रहते हैं ताकि लोगों का आना जाना ना रहे। तो ऐसी यहाँ पर अफवाह फैलाई गई है, अदरवाइज ऐसी कोई वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है घटना जिससे कि वहाँ पर भूत आने की संभावना हो। और यहाँ पर कहते हैं बहुत सारे सर्प पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जहाँ पर जो उस वक्त जब ये पेड़ होते हैं तो बहुत सारे सर्प आ जाते हैं। तो इस तरह से ये फोर्ट बना हुआ है। ये फोर्ट 17वीं सदी में भगवंत दास द्वारा निर्मित किया गया था, जो आम्बेर के शासक थे। तो फिलहाल ये बहुत एक खंडहर जैसा बन चुका है, लेकिन फिर भी देखने के लिए काफ़ी कुछ है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर कमरे बरामदे बने हुए हैं, और बड़ा तो है ही ये, और ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। नीचे इस किले में काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी हैं, और इसमें कोई ऐसी आपको संरचना नहीं मिलेगी कि जो बहुत मुगलों की सभ्यता या फिर हिंदू कल्चर को कहीं पर भी दिखाता हो। अंदर काफी
काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर, और पूरा नीट एंड क्लीन है, क्राउड बिल्कुल नहीं था, और थोड़ा एक्साइटिंग था क्योंकि जो सुन रखा था इसके बारे में, तो अंदर ही अंदर देखने की एक चाह भी थी कि अंदर क्या है, और जाके देखते हैं अंदर क्या है। तो लेकिन जितना भी अंदर गए सब खंडार पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, तो जैसे कहते हैं ना सारे किले जैसे होते हैं, तो बस ऐसा है। लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी अच्छा है, देख कर पता चलता है कि किस तरह से पहले हुआ करता होगा और कितना बड़ा बना हुआ है ये फोर्ट। किले के अंदर ही दो मंदिर बने हुए हैं, एक तो गोपीनाथ जी का मंदिर है और दूसरा है भगवान शिव का मंदिर, जो कि आप अभी इस वक्त दर्शन कर सकते हैं हमारे साथ में। तो यहाँ पर और साइलेंस है, एकदम शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वहाँ पर। आप जाएं कभी तो वहाँ पर थोड़ा बैठ कर भी आप आनंद ले सकते हैं। तो गाइज, आपको कैसा लगा भानगढ़ फोर्ट? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से जयपुर के अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।